हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथ टीचर फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेलकम टू क्लास फर्स्ट। लास्ट क्लास में हमने बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन किए थे, जिसमें पहले, बाद में और बीच वाला किया था। जिसमें जैसे 4 है, 5 और 6 है, तो 5 क्या है? बिटवीन, बीच में है 4 और 6 के। और 4 क्या है? 5 से पहले है। और 6 क्या है? 5 के बाद में है। तो इस तरीके से हमने नंबर्स किए थे। नेक्स्ट आज हम करने जा रहे हैं, और ये वाला वर्क आपको मैंने अपनी नोटबुक में राइट करने के लिए दिया था। आई थिंक आपने ये वर्क अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स में कंपेरिजन करेंगे कि तुलना करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो देखिए, कंपेरिजन करेंगे, हम तुलना करेंगे। 2 इज लेसर देन 4, 2 इज लेसर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए क्या है, क्या कहना चाह रहा है, 2 इज लेसर देन 4 कि 4 से छोटा है या कम है। किसमें? 2 में। 2 कम है 4 से, और 4 है वो ग्रेटर देन, ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। तो देखिए, रिमेम्बर, ये याद रखना है हमें। क्या याद रखना है? द ग्रेटर नंबर इज ऑलवेज एंड द ओपन एंड ऑफ द साइन। जो ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसकी तरफ हमेशा मुंह खुला हुआ रहेगा। एंड स्मॉलर नंबर इज द क्लोज ऑफ एंड, और जो छोटा है उसकी तरफ हमेशा मुंह क्लोज रहेगा। जैसे इसमें देखो, 2 है, कौन सा बड़ा है? 4 है, तो 4 की तरफ हमेशा मुंह खुला हुआ रहेगा। देखो इसमें 4 है बड़ा, तो 4 की तरफ, और 2 है, 2 की तरफ हमेशा क्लोज रहेगा। बस इतनी सी चीज हमें ध्यान रखनी है, और हम पहचान कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखिए, कंपेयर द कलेक्शन एंड पुट द साइन लेसर एंड ग्रेटर, वन इज डन फॉर यू। एक हमें हमारे लिए किया हुआ है, और बाकी हमें करना है, कंपेयर करना है इन कलेक्शंस में से, और हमें ये साइन हमें राइट करने हैं। तो देखिए, 1 2 3, कितनी एप्पल दी हुई है? 3। 1 2 3, ये इससे मैच हो गई, ये इससे हो गई, ये अब कितनी बच गई? 1 बच गई। क्यों? क्योंकि इसमें 3 और इसमें 4 है। तो देखिए, बड़ी कौन सी हो गई? 4। ज्यादा कौन सा हो गया? 4। तो 4 की तरफ, अभी हमने बात की है कि जो ज्यादा है उसकी तरफ साइन ऐसे रहेगा, उसकी तरफ ओपन एंड रहेगा। तो इसमें 4 की तरफ ऐसा साइन दिया हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट है, हमें एक फ्लावर पॉट दिया हुआ है जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं। अब हमें उन फ्लावर्स को काउंट करने हैं, और जो ज्यादा है उसकी तरफ और कम है उसकी तरफ हमें जो सिंबल लगाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने फ्लावर दिए हुए हैं? 14। और नेक्स्ट वाले में कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिए हुए हैं। तो देखिए कितने हो गए, कौन से ज्यादा हो गए? इसमें ज्यादा हो गए। अब हमें क्या करना है, ये राइट करना है। तो देखिए इसमें कितने थे? 14। तो देखिए बच्चों, इसमें हम वापस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने फ्लावर हैं? 18। तो हम इसमें क्या राइट करेंगे? 18। अब देखिए बच्चों, इसमें तो हमने राइट किया है 14, और इसमें हमने राइट किया है 18। तो अब आप बताइए कि कौन सा बड़ा है, कौन से में कौन सा सिंबल आएगा। तो 14 तो क्या है, 18 से कम है। तो अगर हम ऐसा राइट करते हैं, तो देखिए 18 बड़ा है, तो कैसा राइट करेंगे हम? 18 की तरफ इसका मुंह कर देंगे, तो कौन सा बड़ा है? 18। नेक्स्ट देखिए, हमें बुक्स दी हुई है जिसको हमें काउंट करना है। तो कितनी बुक्स है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, कितनी बुक है? 5। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? 5। और इधर कितनी बुक है? 1 2 3 3, कितनी बुक है? 3। अब देखिए बच्चों,
इसमें कितनी है 5 और इसमें कितनी है 3, तो हम कौन से में सिंबल राइट करेंगे, जिसमें जो बड़ा है उसकी तरफ हम कौन सा सिंबल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमने क्या राइट किया, इधर तो कितनी बुक्स दी हुई हमें 5 और इधर कितनी है 3, तो देखिए इसमें कौन से में ज्यादा है 5 या 3, तो 5 ज्यादा है तो हमने किस तरफ सिंबल किया है 5 की तरफ, 5 की तरफ किया है, ये छोटा है इसलिए इसकी तरफ तो क्या है इसका क्लोज माउथ है और इसकी तरफ क्या है ओपन एंड है, तो देखिए 5 की तरफ हमने सिंबल बनाया है। नेक्स्ट देखिए, हमें कितने पेन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, पेन दिए हुए हैं जिसमें देखिए हम काउंट करेंगे कितने पेन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने पेन दिए हुए हैं 12, तो देखिए ये हमने 12 राइट किया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखते हैं हम कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने दिए हुए हैं 6, तो कौन से में ज़्यादा है, इस बॉक्स में ज़्यादा है या इस बॉक्स में, 12 ज़्यादा है तो हम किसकी तरफ सिंबल बनाएंगे, 12 की तरफ सिंबल बनाएंगे कि 6 से ज़्यादा 12 है, तो 6 और 12 के कंपेरिजन में कौन सा ज़्यादा है, 12 ज्यादा है, तो इसकी तरफ हमने सिंबल बनाया है। नेक्स्ट देखिए, हमें एक प्लेट में लड्डू रखे हुए हैं, अब उन लड्डू को हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, एक प्लेट में लड्डू रखे हुए हैं जिसमें हम काउंट करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहले वाली प्लेट में कितने लड्डू है 7, तो हम इसमें 7 राइट करेंगे, और अगली प्लेट में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए इसमें कितने लड्डू है 10, अब इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सी प्लेट में लड्डू ज़्यादा है, तो कौन सी में है इस प्लेट में कितने हैं 10 लड्डू है, तो इन दोनों की कंपैरिजन में कौन सा बड़ा हुआ ये वाला, तो हम सिंबल किसकी तरफ लगाएंगे 10 की तरफ, किसकी तरफ लगाएंगे 10 की तरफ, क्यों, क्योंकि 10 क्या है ज्यादा है, बिगेस्ट ग्रेटर है किससे 7 से, तो हमने इसमें ग्रेटर का सिंबल लगाया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, नेस्ट दिए हुए हैं, घोंसले दिए हुए हैं जिसमें एग भी है, अब हमें उन एग को काउंट करना है कि कौन से नेस्ट में कितने एग है, तो देखिए पहले वाले में देखिए 1, 2, 3 कितने एग है 3, और सेकंड वाले में देखिए 1, 2 एग है। अब देखिए इसमें से आप ये बताइए कि कौन सा लेसर है और कौन सा ग्रेटर है, तो देखिए 2 क्या है लेसर, 2 कम है, और 3 क्या है ग्रेटर, ये कौन से बड़ा है इन दोनों की कंपैरिजन में 3 बड़ा है, तो हम किसकी तरफ सिंबल लगाएंगे 3 की तरफ। अब देखिए इसका जो ग्रेटर होता है, जो बड़ा होता है, उसकी तरफ क्या होता है माउथ ओपन रहता है, क्या होता है ओपन एंड होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ क्या रहता है क्लोज, तो हमने इस एक्सरसाइज में ये वाला किया है ग्रेटर और लेसर। नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया आज, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबर में कंपैरिजन किया जिसमें हमने कंपेयर करना सीखा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसको आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और आपको सीखना है कि कैसे कंपेयर किया है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आज का आपका वर्क है, देखिए बच्चों आज का आपका वर्क है ये वाला, तो आपको करना ही करना है कि आपको इनमें कंपेयर तो करना ही है। नेक्स्ट इसी के साथ हम कुछ वर्क देखेंगे और जो हमें लर्न करना है और राइट करना है, तो देखिए बच्चों आपको 1 to 20 तक नंबर्स नेम अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं, उनकी स्पेलिंग जैसे O-N-E-1, T-W-O-2 ऐसे करके आपको 20 तक आपको स्पेलिंग राइट करनी है और लर्न करनी है। इसी के साथ आपको कंपैरिजन भी सीखना है, और इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।